हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली ग्री ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग भी भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से आप अच्छे होंगे। तो चलिए, कल तो मैं बनाई थी, मैं दिखाऊंगी जो हमारा कटहल की एक रेसिपी बनाई थी, मैं आप लोग को यहाँ मैं डाल दूंगी। और अभी हम मार्केट जा रहे हैं, कल अभी कल नहीं राखी आ रहा है नज़दीक, तो भाई लोग के लिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी, भेज तो दूंगी ना, इसीलिए मैं राखी लेकर आऊंगी। और क्या क्या शॉपिंग करूंगी आप लोगों को जितना हो सके मैं दिखाऊंगी। और देखिए, तो मैं आप लोग बार बार कह रहे हैं ना, जो क्या कौन से वाला है कि नहीं जिगजाग वाली है कि, तो इसीलिए मैं है कि मंगाई। देखिए कल आया, 4 कलर का आया, 3-4 कलर का आया। देखिए 1, 2, 3 और कौन सी कलर, ओटा पर्पल टा भीतर अछि। हाँ, 4 कलर का आया, 1 पर्पल कलर का भी आया। तो अभी मैं है कि टॉप के लिए मेरा अच्छा होगा, मैं मंगाई, मैं मार्केट में नहीं मिल रहा था कॉटन वाला है कि, तो देखिए उसको मैं वॉश भी की थी, आज धोई थी, तो एकदम से कॉटन वाला है। तो देखिए, बोला हिंकी कैसा लग रहा है, हिंकी अच्छा लग रहा है कि। और मुझे कोई बोले थे डायमंड शेप का कीजिएगा, तो मैं डायमंड, देखिए आप लोगों की फरमाइश से मैं मंगाई हूँ हमारा। देखिए डायमंड शेप का हो गया, दिखने में भी अच्छा लगेगा डायमंड शेप वाला, अच्छा लग रहा है ना। लेकिन कहीं बाहर जाऊंगी ना, अच्छा लग रहा है, तो बाहर जाऊंगी ना मैं, इसी टाइप का नहीं जाऊंगी, मैं मॉडल टक करके जा रही हूँ, एकदम सा प्लेन में मॉडल टक करके जा रही हूँ। और क्या क्या मैं खरीद के लाऊंगी आप लोग को दिखाऊंगी, मुझे काम नहीं आएगा ऐसे डायमंड, ऐसे मैं मॉडल टप करके जाऊंगी, तो देखिए ऐसे रहेगा। और मैं रहती हूँ, और फिर जो मेरे चैनल को न्यूज़ तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ऑल बटन के साथ, और आज का ब्लॉग भी देख लीजिए आगे आगे मैं क्या करूँ। नीनी तू पीऊ ना, पी दे ठीक है, ताको ठंडा धरची, उसको जो जुकाम हो गया, उसकी पापा ने 2.5 लीटर का स्प्राइट लेकर आए मेरे लिए होगा, बेचारा क्या करेगी मेरी बेटी, पी दे बुटी के हला ना। और देखिए फ्रेंड्स, हमने मंगाई थी, बार बार हमारे कमेंट आ रहा था, बार बार कमेंट आ रहा था जो है कि, जो क्या कौन सी वाला जिगजग वाला है कि ना, तो इसीलिए मैं मंगाई थी, यहाँ तो नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसे अमेजोन में मंगाना पड़ा मुझे, तो कैसा आया है देखते हैं। इसके साथ हमको हैंकी टक करना होगा इसी के लिए। देखिए वो आया है, मंगाई थी मैं, इसको मैं साइड करके रख देती हूँ, तो कैसा आया, तो हैंकी एकदम से सारे लाइट कलर आया, देखते हैं कॉटन आया या कॉटन है। हाँ कॉटन है, कॉटन है,
कॉटन है, प्योर कॉटन है। मुझे लगा था वो जो टेरी कॉटन, नहीं टेरी कॉटन नहीं, कॉटन आया है। बड़ा भी है कि थोड़ा बड़ा है ना उससे? बहुत बड़ा है, अच्छा भी लग रहा है देखने के लुक्स। देखिए फोर टाइप कलर का आया है, और ये ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू और लाइट पिंक, लाइट पिंक और लाइट वेलवेट पर्पल, हाँ पर्पल कलर का और लाइट येलो। येलो वाला बहुत अच्छा लग रहा है लुक्स। तो देखिए जो जिगजैग वाला है साइड में, ऐसे डबल फोल्ड होगा तो ठीक दिखाई देगा। देखते हैं ब्लू कलर का अच्छा है ना, है कि सारे हैं कि तो कैसा लग रहा है कि देखिए अच्छा लग रहा है ना। ओके मैं हैंकी को रख लेती हूँ पहले। अरे एटा कॉटन बहुत पतला कॉटन दा, पतला कॉटन दा नी मगे जुजी अपन मन कर दे कहीं तो मैं भी धर दबा जे पिला बढ़िया धर देला असुविधा किटा है जी। तो देखिए जो मैं तो दिखाई थी जो हैंकी, हैंकी तो मंगाई थी और हस्बैंड भी बात कर रहे थे। तो देखिए पक्का कॉटन कटहल ना पक गया है, तो उसकी मैं जो छोटा छोटा क्या बोलते हैं उसको, उसको मैं निकाली। उसके बाद उसको उसका जूस निकालने के लिए उसको मैं हाथ से ऐसे मसल रही हूँ। ऐसे मसलने से उसका जो जूस निकलेगा उसी जूस से ही मैं जो लूची बनाऊँगी, बहुत फुलका फुलका होता है। तो देखिए आलू की सब्जी मैं बनाई थी, इधर नमक आटा में थोड़ा सा नमक देखे मैं उसी जूस से ही, इसे जूस निकला और भी जूस है तो उसी जूस से कुछ करने वाली थी, लेकिन इतनी गर्मी हो रहा है ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो आटा मैं अभी लगा रही हूँ ऐसे धीरे धीरे से, पानी नहीं उसी जूस से ही आटा लगा रही हूँ। ऐसे कर ले से थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा लेकिन बहुत अच्छी तरह से फूलता है, विदाउट ऑयल से ही कितने सुंदर भावे फूलेगा आप आगे देखिएगा। आटा का अच्छी तरह से लगा लिया, उसके बाद उसको मैं ढकने के लिए ढक के छोड़ दी थी 5 मिनट के लिए। और उसके बाद उसे देखिए जो आटा जो लगाई थी जो गुद्धा हुआ आटा को देखिए, तेल भी उधर गर्म हो रहा है और छोटा छोटा मैं ऐसे लूची में बेल रही हूँ। ऐसे अभी कैसे फूलेगा आप लोग देखिएगा। मैं तेल भी नहीं दी, सिर्फ जो हमारा कटहल का जूस है, जो पका हुआ कटहल का जूस, नमक, बस उसी से ही मैं जो आटा लगाई, तेल भी नहीं दी, लेकिन बहुत अच्छा फुलका फुलका होता है। हम मतलब हम हस्बैंड आए हैं ना इसीलिए मैं वो बनाए, सब मिलके हम खाएंगे आलू की सब्जी। आप कुछ भी सब्जी से खाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा। और ऐसे में कि दीदी तू बनाऊ छु कथा कह ठीक है। तो आज हस्बैंड भी आए हैं, तो जो हमारा कटहल पके हुए कटहल था उसी में लूची बनाई, देखिए कैसे फुलका फुलका हुआ। आप लोगों को तो मैं दिखा ही, सच में बहुत अच्छा बहुत टेस्टी भी लगा। तो पहले भी मैं बनाई थी लेकिन एक कटहल था ना उसकी यूज कर दी, और भी है कटहल का लिक्विड है वो जूस है, मैं उसके साथ और कुछ बनाऊंगी एक दिन, आप लोग देखिएगा। तो हम उसको एंजॉय करेंगे, हस्बैंड भी आए हैं। देखिए मुझे पसीना पसीना हो गई, खाने को मन करता है लेकिन इतनी गर्मी होता है, इतने पसीने से क्या खाओगे, खाने को भी सब कुछ निकल जाएगा। चलिए हम एंजॉय करते हैं। तो हस्बैंड है ना, उसी शुक्रवार के दिन में हम माँ बेटी मार्केटिंग के लिए जा रहे थे, जो राखी लाना था। हम माँ बेटी जा रहे हैं, गेट को लगा देती हैं, फोन रहेगा मास्क हूँ।
देखिए हम माँ बेटी जा रहे हैं, नज़दीक है लेकिन जा रहे हैं। ना सी आजिकल बड़ पिला है ला भीतर के देखबा पड़ै छ लाइट के दो जगह इसलिए यहां ऐड नहीं की मैं कुछ उसका स्टोर पर था और जो टॉप्स इयररिंग टॉप्स पॉप्स और लेके आई और ग्रोसरी से भी मैं गई थी और लेके आई एक दो चीज़ लेके आई। उसके बाद हमारा मेरे साड़ी का ब्लाउज था तो हस्बैंड को बोली चलो मुझे ले चलो जो है टेलर के पास लेडीज़ टेलर के पास। हस्बैंड को बोली तो हस्बैंड मुझे लेके जा रहे हैं कितना आप चल के जाओ। हाँ कैसे माँ बेटी हम चले आए पसीना पसीना हो गए हैं हम मार्केटिंग से चले आए हम पसीना पसीना हो गए हम। आज शुक्रवार भी है ना तो कल जाएगा वीडियो सब्जी भी लेके आए हैं और कुछ ग्रोसरी सामान भी लेके आए हैं हस्बैंड। और उसके बाद मैं किचन में देखी तो कुछ हाँ मैं तो सब कुछ करने करके गई थी मार्केट। ओके फ्रेंड्स मेरा तो जो 1 बजे तक होता है वीडियो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ और अगले वाला वीडियो नहीं कर पाती हूँ कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी होता है ना इसीलिए। अब हमारा यहाँ ना बहुत गर्मी है तो मार्केट से भी आ गए पसीना पसीना आ गए मैं चलिए मैं कपड़े भी चेंज कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स मैं अभी रखती हूँ अगले वीडियो आने तो बाय बाय।